हेलो फ्रेंड्स, मैं रुबीना गोरी आपका स्वागत करती हूँ आपकी अपनी चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अग्नेयमुखी प्लॉट का नक्शा वास्तुशास्त्र के अनुसार देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास प्लॉट है वो अग्नेयमुखी है और उसकी साइज 22x35 या फिर उससे बड़ी है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। हम वीडियो देखें उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट नोट देख लेते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने परफेक्ट नाप नहीं दिया है, आप अपने हिसाब से साइज छोटी या बड़ी कर सकते हैं, लेकिन आपको दिशा चेंज नहीं करनी है। और एक बात और कि आपको उत्तर और पूर्व में दक्षिण पश्चिम के मुकाबले अधिक जगह छोड़नी है, यानी कि आप जब प्लॉट में कंस्ट्रक्शन एरिया तय कीजिए तब उसमें उत्तर और पूर्व की ओर ज्यादा जगह छोड़े और दक्षिण और पश्चिम की साइड कम जगह छोड़े। तो आइए अब हम प्लान देखते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे प्लॉट में कहां पर कौन सी दिशा और कौन सा कोण आएगा। जैसे कि यह साउथ ईस्ट फेसिंग प्लान है, इसलिए इसमें साउथ ईस्ट यानी कि अग्नेय कोण की ओर घर का फेसिंग होगा और यहाँ पर ही घर का मेन एंट्रेंस होगा। यह विदिशा प्लॉट है, इसलिए इसमें दिशा कोने पर आएगी और साइड पर कोने आएगी, यानी कि यह घर का कोना है तो यहाँ पर पूर्व यानी कि ईस्ट दिशा आएगी। यह दूसरा कोना है, यहाँ पर उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा आएगी, यहाँ पर वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा आएगी और यहाँ पर साउथ यानी कि दक्षिण दिशा आएगी। और यह हमारा साउथ ईस्ट कोना है जहाँ पर घर का फेसिंग होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास 22x35 या फिर उससे ज्यादा का प्लॉट है और उसका फेसिंग साउथ ईस्ट है तो इसका प्लान अब हम वास्तुशास्त्र के मुजब आइए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको घर के आगे जगह छोड़नी है तो आपके घर का मेन गेट यहाँ पर यानी कि पूर्व दिशा की ओर आएगा। और अगर आपको जगह नहीं छोड़नी है तो यहाँ पर आपके घर का मेन डोर आएगा यानी कि मुख्य दरवाजा आएगा जो भी पूर्व दिशा में ही खुलता है। मेन डोर में एंटर होते ही यहाँ पर आपको वेटिंग रूम बनाना है, इसे आप लॉबी भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको खिड़की बनवानी है और यहाँ पर आप होम गार्डन यानी कि गमले वगैरह रख सकते हैं। मेन डोर के सामने यहाँ पर आपको एक और डोर बनवाना है। घर के उत्तर कोने में आपको ड्राइंग रूम बनवाना है। इस ड्राइंग रूम में आपको इस दीवार पर दो खिड़की लगानी है और यहाँ पर एक खिड़की लगानी है। यहाँ पर आप सिटिंग एरिया यानी कि सोफा वगैरह यहाँ इस कोने में यानी कि पश्चिम कोने में रख सकते हैं। ड्राइंग रूम के पास आपको स्टडी रूम या फिर बेडरूम नंबर 2 बनाना है, इसे आप गेस्ट रूम के रूप में भी यूज कर सकते हैं। यह घर के पश्चिम कोने में आएगा। इस बेडरूम में आपको दोनों दीवार पर खिड़कियां बनवानी है और इसमें आपको बेड कोने से थोड़ा दूर और दीवार से भी थोड़ा दूर लगाना है। अगर यह बेडरूम आप स्टडी रूम के रूप में यूज कर रहे हैं तो इसमें बच्चों का स्टडी टेबल उत्तर की ओर आए इस तरह लगाए। स्टडी रूम के पास आपको स्टेयरकेस बनवाना है। यह सीढ़ियां घर की साउथ वेस्ट कोने में आएगी जो वास्तु के अनुसार बिल्कुल सही है। स्टेयरकेस के पास आपको एक कॉमन अटैच टॉयलेट बाथरूम बनवाना है।
अब बात करते हैं घर के मेन बेडरूम यानी कि मुख्य शयन कक्ष की। यह विदिशा प्लॉट होने की वजह से यह बेडरूम घर के साउथ वेस्ट कोने पर आएगा। यहाँ पर आपको इस दीवार पर खिड़की लगवानी है और आपको बेड यहाँ पर भी कोने में या फिर दीवार के पास नहीं लगाना है, कोने से भी दूर और दीवार से भी थोड़ा दूर लगाना है। इस बेडरूम का डोर ड्राइंग रूम में खुलता है। मेन बेडरूम के अटैच आपको यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम बनवाना है। इसमें आप यहाँ पर वेंटिलेटर लगवा सकते हैं। मेन बेडरूम के पास यहाँ पर आपको एक छोटा सा स्पेस मिल जाएगा जिसे आप लॉबी के रूप में यूज कर सकते हैं। लॉबी का डोर ड्राइंग रूम में खुलता है और किचन का डोर लॉबी में खुलता है। यहाँ पर आपको किचन बनाना है जो घर के अग्नि कोने में आएगा, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्कुल सही दिशा है। यहाँ पर आपको एल शेप का प्लेटफॉर्म बनाना है और यहाँ पर ही आपको दोनों दीवार पर खिड़कियाँ बनवानी है। अगर आप खुला किचन बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डोर ना बनाइए तो भी चलेगा। और यहाँ पर आप डाइनिंग एरिया बना सकते हैं और डाइनिंग टेबल वगैरह रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह पूरा प्लान है। आई होप आपको यह बहुत ही यूजफुल होगा। इसमें हमने परफेक्ट साइज नहीं दी है, वो आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। लेकिन हमने जो दिशा बताई है, जैसे कि हमने यहाँ पर उत्तर दिशा में ड्राइंग रूम बनाया है, तो आपको इसकी दिशा चेंज नहीं करनी है। आपको यहाँ पर ड्राइंग रूम ही बनाना है। जैसे कि यहाँ पर अग्नि कोना है तो यहाँ पर हमने किचन बनाया है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ किचन ही बनाना है। आप साइज छोटी बड़ी कर सकते हैं लेकिन आपको दिशा चेंज नहीं करती करनी है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपके लिए यह प्लान यूजफुल हो। फ्रेंड्स, अगर आपके पास किसी और साइज का प्लॉट है या फिर किसी और फेसिंग का प्लॉट है और आप उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9316556917। यहाँ पर आप कांटेक्ट करके हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताकर हमसे नया प्लान ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय।